खड़ी से देवेश चंद्र ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन कम वोट से जीत दर्ज कराने का अफसोस उनके चेहरे पर झलक रहा है। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वे पिछले 22 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने यादव और मुसलमान का काम सबसे ज्यादा किया, लेकिन अब वे यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अगर कोई इस जाति का है और उनके यहाँ काम करवाने आता है तो वो चाय नाश्ता करे और वापस चला जाए, वे उनका काम नहीं करेंगे। तो देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद हैं, इसी बार चुनाव जीत कर आए हैं और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। तो जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यादव और मुसलमान को लेकर जो बयान दिए हैं उस पर अभी भी कायम हैं। उन्होंने ये कहा कि जिन दोनों समुदाय के लिए उन्होंने लंबे समय तक व्यक्तिगत रूप से काम किया है, उन दोनों समाज के लोगों ने 1% वोट भी उन्हें नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए मैं व्यक्तिगत काम क्यों करूं? मैंने ये निर्णय लिया है कि सार्वजनिक तौर पर काम सभी का होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुसलमान और यादव समुदाय के लोगों का काम नहीं करूंगा। इससे किसी को तकलीफ लगे तो लगे, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। देवेश चंद्र ठाकुर से बात की है न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। हमारे साथ जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर हैं। देवेश जी ने एक बयान दिया जिसके बाद बिहार की सियासत में इसके चर्चे हो रहे हैं। आखिर आपने ऐसा क्यों कहा कि यादव और मुसलमान के जो काम है वो आप नहीं करेंगे, या फिर जो उनसे प्रेम था वो आपके बयान के बाद लगता है कि कम नजर आ रहा है? मुझे टारगेट करके कि ये नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं, आदरणीय नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, ये तीर छाप के उम्मीदवार हैं, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जिन लोगों ने और विशेषतः जिन दो समाजों ने 1% भी अपने वोट नहीं दिए होंगे मुझे, हमारे पास बूथ का लिस्ट है, कोई का पता चल जाता है किसके पास कौन कहाँ वोट दिया है, किस बूथ पर किसका वोट है, तो जिन्होंने नहीं दिया होगा तो मेरा उनसे सवाल है कि तब मैं क्यों, मैं जो 30-35 साल से किया आप उसका सिला मुझे पहली बार आपको मौका मिला। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में तो बहुत कम मतदाता होते हैं, उसमें तो लाख मतदाता भी नहीं होते हैं। अब इसमें हमारे 19 लाख मतदाता हैं तो उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें जो मुझे वोट जिन लोगों ने नहीं दिया और विशेषतः इन दो समाज के लोगों ने जो नहीं दिया, तो उनका मैंने यही कहा है बहुत विनम्रता से कि आपका स्वागत है मेरे यहाँ, कोई आने में दिक्कत नहीं, आए जरूर, चाय पिए, मिठाई खाएं, व्यक्तिगत काम मुझे मत बताएं, सार्वजनिक काम है जरूर आए, उसका आपका हक है, यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब साफ है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो व्यक्तिगत काम यादव हो मुसलमान हो इन दो समाजों का करते रहे हैं वो अब नहीं करेंगे? वो तो कई बार कहा है, उसमें कोई ये नहीं है, कई बार कहा है, इसके अलावा किसी का भी स्वागत है, सार्वजनिक काम लेके आए मेरे पास, व्यक्तिगत काम लेके मत आए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि एक सांसद के तौर पर ये बयान देना इसका नुकसान भी हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान मैं सहने को तैयार हूं, किसका ज्यादा नुकसान होगा मैं देखता हूं, कौन काम करेंगे इन लोगों वो भी देखता हूं, कोई नहीं है काम करने वाला। जो सज्जन जिनको इन्होंने वोट दिया वो 5 साल में दिखाई दिया, 10 साल में कितने दिन, 10 दिन रहे मेरे यहां, क्या बात कर रहे हैं, तर्क की बात कीजिए। जो सज्जन 10 साल यहां 10 दिन नहीं दे रहा मेरे क्षेत्र में, काम किसने किया इन लोगों का, मैंने किया तो, और जब समय आता है तो फिर मेरे साथ ये व्यवहार आपका है, तो मेरा आप पर सवाल या प्रश्न है, आप उन लोगों के बीच में घूम के पूछिए ना कि जिन्होंने आपका काम किया उनके पास उनका क्यों नहीं आपने वोट दिया, उनसे पूछिए, मैं तो अपना काम करते आया हूं उनका, अब बोल रहा हूं कि यहां सार्वजनिक काम के लिए स्वागत है, व्यक्तिगत काम के लिए नहीं है, सीधी बात। तो बिल्कुल वोट नहीं मिलने से एक तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर ने नाराजगी भी जाहिर की है और दो टुक उन्होंने कह भी दिया है कि व्यक्तिगत काम हो तो यादव और मुसलमान उनके पास न आए। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।
तो सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। जेडीयू ने अपने सांसद का बचाव किया है, बीजेपी ने व्यथा में बयान देने की वकालत की है, तो आरजेडी ने देवेश चंद्र ठाकुर पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस पार्टी ने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को शर्मनाक बताया। माननीय सांसद ने अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जज्बातों को अपने लोगों के बीच में प्रकट किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल निहितार्थ निकालना चाहिए। व्यक्ति व्यथित होकर के कुछ बात कह देता है, पर जब आदमी जनप्रतिनिधि हो जाता है तो पिछली चीजों को भूल करके उसके लिए हर व्यक्ति एक समान होता है। देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो बात कही वो उनके मन की व्यथा है। देवेश जी, आप तो स्पीकर हुआ करते थे, आपको कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप सबके सांसद हैं, जनता के इतने सांसद हैं, क्षेत्र के सांसद हैं, भाजपा के संगत में आकर आप पर भी असर हो रहा है। इस देश में लोकतंत्र है और इस देश में बहुत सारे लोग देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते हैं और उनको वोट भी नहीं देते हैं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री किसी जाति, धर्म या बिरादरी को देख करके काम करेंगे या निर्णय लेंगे? इस प्रकार का बयान बेहद ही चिंताजनक है। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी अपनी बात रखी। केसी त्यागी ने कहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर बिहार की राजनीति के बहुत ही सम्मानित और अनुभवी नेता हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उनसे अलग है। चुनाव को लेकर कटुता भरा भाव होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री या सांसद पूरे समाज के होते हैं। त्यागी से, सीतामढ़ी से सांसद हैं जेडीयू के, आपकी पार्टी के, देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा है कि जो कम वोट मिला है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बातें कही हैं कि यादव और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों से कि आएंगे, इनको चाय नाश्ता कराएंगे, लेकिन इनको वोट हम इनका काम नहीं करेंगे। जो वोट कम मिला है उसको लेकर के उन्होंने सवाल किया। नहीं, श्री ठाकुर जी बिहार की राजनीति के बहुत सम्मानित और अनुभवी नेता हैं, हम सब लोग उनको उसी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उनसे भिन्न है। लोकतंत्र अभिन्नता का नाम है, जो हमसे सहमत हैं, जो हमसे सहमत नहीं हैं, हम सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। चुनाव के अंदर ये कटुता भरा भाव जरूर होता है, लेकिन चुनाव समाप्त हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद प्रधानमंत्री भी, मंत्री भी और सांसद भी समूचे समाज के होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। पश्चिम बंगाल में हुए रेल हादसे के लिए पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर भी राबड़ी देवी ने पलटवार किया है। तो बंगाल में हुआ, ममता समझेगी, भारत सरकार समझेगा, कहता हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो क्या ठीक है? रोड मर्डर हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, देखिए रहे हैं। बने हम कह रहे हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है। हाँ, अब जीते हैं कैसे? वो जीते हैं कैसे? खाली राजपूत वोट से जीते हैं क्या? वर्ल्ड इनक्यूलिटी लैब की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया के पोस्ट में केंद्र सरकार को जातीय गणना की विरोधी बताया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी अपने लालू प्रसाद के बयान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी साथ खड़ी हुई दिख रही है। बात बीजेपी और जेडीयू की करें तो ये दोनों पार्टियों ने लालू प्रसाद के आरोप को खारिज करते हुए पिछड़ी जाति के लिए काम करने का दावा किया है। आप जी कह रहे हैं, इस बात को लेकर के तो सवाल हमारी पार्टी लगातार उठाती रही है और ये सवाल का जवाब देना चाहिए। माननीय लालू प्रसाद यादव जी की बात भी बिल्कुल सही है, आर्थिक खाई बढ़ते जा रही है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार वंचित समाज के लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों का हकमारी कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, एक हकमारी क्यों कर रहे हैं और कब तक ये जारी रहेगा? जमीन आपने ले लिया पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का और दलितों का, नौकरी के नाम पर आपने जमीन ले लिया, तो आपके जैसे नए जमींदार जब बनेंगे तो स्वाभाविक है समाज को इन चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। लगातार हमने काम किया है ताकि एसटी एससी ओबीसी सबको ऊपर उठे, और आपके लिए भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट ओबीसी में आते होंगे, आप, आपके समधी साहब यूपी में, अखिलेश जी, ये तो रिचेस्ट ओबीसी में आते होंगे ना। आपने क्या किया?